Brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। दिखाएंगे देहाती मॉडिफिकेशन का एक्सट्रीम। जोमैटो के चक्कर में स्विगी को देनी पड़ी सफाई क्यों। शोशेबाजी के चक्कर में शादी में कैसे पड़ा व्यवधान। और पिक ऑफ द डे जानेंगे कैसे कोई धंधा छोटा नहीं होता। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एकदम नशे की तरह होती हैं। जब एक बार इंसान को लग जाती है ना तो फिर उसकी लग ही जाती है। ये आदतें धीरे धीरे एक हॉबी बनती हैं, फिर आपको बिना पता चले आपकी पूरी पर्सनैलिटी बन जाती है। ऐसी ही एक चीज है मॉडिफिकेशन। एक बार इसका चस्का आपको लग गया ना तो फिर आपको कुछ भी रोक नहीं सकता। ऐसा ही एक वीडियो दिखा जहाँ एक लड़के ने अपनी बाइक या स्कूटी को चीता ही बना दिया। मेरा बस यही सवाल है कि अगर हॉर्न बजा जाए तो क्या ये चीता ही कहते हैं बोलेगी या दहाड़ मारेगी। देखिए वीडियो। अब मॉडिफिकेशन की बात हो रही है तो बताते चले कि एक और वीडियो दिखा था, वो भी सड़क का ही था। इसमें भी मॉडिफिकेशन ही दिखाया गया है लेकिन इस बार माध्यम बदल गया है। पहला वीडियो जहां एक गाड़ी को जानवर वाली गाड़ी बनाया गया था पहली वीडियो में, वहीं इस वीडियो में मामला उल्टा है। यहां एक बैलगाड़ी में कार वाली सीट्स रख के कार बनाने की कोशिश की गई है। देखिए अब हम सब सुपर हीरो की फिल्में देखकर तो बड़े हुए हैं। हम सब ने कभी न कभी अपने गर्दन पे तौलिया बांध के सुपरमैन बनने की कोशिश की। सुपरमैन बन के हम न जाने क्या क्या कर जाना चाहते थे। लेकिन एक लड़की की रील चल रही है, रील में लड़के को पुलिस वाले रोक रहे हैं और कारण था उसने अपनी बाइक को ही सुपरमैन बना लिया है। लेकिन तौलिया नहीं लगाया था, कुछ और लगाया था। वीडियो आपको दिखा रहे हैं लेकिन प्लीज़ डोंट ट्राई दिस एनीवेयर। मैं हूं आशीष महेश्वरी और मैं आज आपको बताने आया हूं कि अपनी क्षमता से ज़्यादा काम अपने सर पर नहीं लेना चाहिए, वरना क्या हो जाता है ये आपको एक वीडियो के जरिए समझाएंगे। अगर आपने अपनी क्षमता से ज़्यादा काम दिया तो आप खुद तो डूबेंगे ही, दूसरों को भी तबाह कर देंगे। मेरा मंत्र मानिए, बेयर मिनिमम करिए। ये हसल कल्चर के चक्कर में अपने जीवन मत तबाह करिए, मौज करिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही है। उदाहरण देख लीजिए, भरोसा ना हो तो। अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की ओर। कितना अच्छा था वो समय जब जोमैटो वालों के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये रहती थी कि खाना भेजते हैं तो तेल लाल टेप के बगल से बह के पैकेट के ढक्कन पे आ जाने की शिकायत सुल जाओ, या दुनिया को ये पक्का करके बताओ कि नाम जोमैटो है या जोमैटो। दुनिया कहती होगी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जोमैटो वाले कहते होंगे जोमैटो में जो होता है नए बवाल के लिए होता है। ऑनलाइन चलने वाली कंपनी ऑनलाइन लोगों की रैंडमनेस से परेशान है। खाना खिलाने वाली जोमैटो का हाल सच में उस व्यक्ति जैसा हो गया है जो घर में सबके लिए खाना बनाता है। लोगों को खुद खाना भी नहीं बनाना है, खाना भी उन्हीं से मांगना है। अपने मन से कुछ कर दो तो मुंह भी फुलाना है, नुस्खे भी निकालना है, ये भी जताना है कि मेरे ही मन का नहीं होता है। हाँ, हुआ ये था कि कल जोमैटो ने फैसला लिया कि नॉनवेज ना खाने वालों के लिए प्योर वेज मोड में खाना जाएगा। प्योर वेज फ्लीट होगी, सिर्फ शाकाहारी खाना बनाने वाले रेस्टोरेंट चूज करने का ऑप्शन होगा। इस फ्लीट के डिब्बे हरे होंगे ना कि लाल, और हरे डिब्बे वाले नॉनवेज रेस्टोरेंट में जाएंगे भी नहीं। इस पे बवाल हुआ तो बाद में आज बात बदल गई कि फ्लीट की सुविधा जारी रखेंगे लेकिन रंग हरा नहीं रहेगा, सब राइडर्स लाल रंग के ही कपड़े पहनेंगे। वेज ऑर्डर लाने वाले फ्लीट को ग्राउंड पे नहीं पहचाना जा सकेगा, बस ऐप पे दिखेगा। आगे ये कारण बताया गया कि हमको यह एहसास हुआ कि हमारे कुछ कस्टमर्स को भी अपने मकान मालिकों से परेशानी हो सकती है। बात यह है कि मकान मालिकों से हर कोई परेशान है। खैर, आगे ये भी बताया कि अगर हमारी वजह से ऐसा हुआ तो ये अच्छा नहीं होगा। लेकिन इससे पहले ही और बाद में भी जोमैटो की पर्याप्त आलोचना हो चुकी थी और हुई, उस पर बात करेंगे थोड़ी देर बाद। अभी बताते हैं ये सब के बीच में स्विगी का नाम कैसे आया। दरअसल AI वाली एक वेबसाइट से जुड़े एक यूजर का डाला ट्वीट खूब चला। कैप्शन था, न्यू स्विगी एड हिट्स हार्ड, ऐसे खड़ा डन, वो क्या बैक स्लैश कहते हैं उसको, बैक स्लैश और फिर S। नीचे तस्वीर में AI जनरेटेड तस्वीर थी और उस पर स्विगी के लोगों के साथ लिखा था, एविक्शन सेफ फूड डिलीवरी, भारतीय आस पड़ोस में आपकी आहार संबंधी प्राथमिकताओं को निजी रखा जाना बहुत ज़रूरी है। हमारी डिलीवरी फ्लीट आपकी निजी आदतों को दुनिया के सामने लीक नहीं करती, आप कुछ पैसे भी बचाते हैं क्योंकि हमें संभावित मॉब लिंचिंग के खिलाफ अपने डिलीवरी स्टाफ के लाइफ इंश्योरेंस के लिए पे नहीं करना पड़ता है। अब इस यूजर का बचाव ये है कि उन्होंने जो वो S लिखा था उसका ये मतलब था कि
सरकाजम है, वो पैरोडी है, वो मजाक है, पर उस पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया या नहीं देना चाहा। ट्वीट तो था, चल पड़ा। फिर बारी आई स्विगी की। उसने सफाई में लिखा, सबजन सूचित हो, आज सुबह हमें एक हालिया विवाद से जुड़ा ऐड दिखा। अगर पहले से स्पष्ट नहीं है तो ये जान ले ये स्विगी का विज्ञापन नहीं है, इसे ना तो हमने बनाया है और ना ही स्विगी से जुड़े किसी व्यक्ति ने इसको बनाया है। कृपया इसको प्रसारित करने या इसको स्विगी से जोड़ने से बचें, धन्यवाद। बाद में वो यूजर सफाई देते मिले कि ऑथेंटिक ऐड नहीं है, स्विगी का ये सरकजम है, सटायर है, पैरोडी है। फिर उस बटे एस का मतलब सिखाया गया और सॉरी भी कहा गया। अब बात करते हैं आलोचना की, जो जोमैटो की हुई। लोग उसमें भी पीएम को कोसते मिले कि देख लेना जल्द ही इस नफरती प्रधानमंत्री के राज में ये जोमैटो हिंदू के लिए अलग डिलीवरी और मुसलमान के लिए अलग डिलीवरी की व्यवस्था करेगा। कुछ लोग बहुत रैंडम चले गए कि जोमैटो को ये घोषणा करनी चाहिए कि वो मुसलमान के यहाँ डिलीवरी करेगा ही नहीं, क्योंकि इससे देशभक्ति का सर्टिफिकेट भी मिलता है और हिंदू खुश होकर ज़्यादा खाना ऑर्डर करेंगे। किसी ने कह दिया कि जोमैटो जातिवादी सांप्रदायिक अराजक तत्वों के दबाव और प्रभाव में काम करने वाली देश विरोधी कंपनी है, जो देश से अरबों रुपए लूटकर देश में सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रही है। ऐसे मनुवादी, सामंतवादी, जातिवादी, पूंजीवादी लोगों की कंपनियों का बहिष्कार होना चाहिए। तो किसी ने कहा जोमैटो ने शाकाहारी लोगों के लिए प्योर वेज मोड और प्योर वेज फ्लीट जैसी सुविधा का शुभारंभ किया है और जोमैटो को जातिवादी बताया जा रहा है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि शाकाहार का जातिवाद से क्या संबंध। वहीं कुछ मार्केटिंग का मर्म समझ के बोले कि जोमैटो 24 घंटे के भीतर पूरे देश में अपने ब्रांड से नफरत पैदा करने में कामयाब रहा। मुझे यकीन है कि जिस व्यक्ति ने ये विचार सुझाया है वो पहले से ही पॉडकास्टिंग में करियर तलाश रहा है। वैसे बात सही है, कल तक जोमैटो का काम ठीक चल रहा था, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों उससे खुश थे, खाना आ रहा था। आज दोनों उससे नाराज हैं अलग अलग कारणों से, और तो और स्विगी वाले भी नाराज होंगे। अब तो शादियों में आजकल कितनी ज़्यादा शोशेबाजी होने लगी है। पहले शादियों में ठीक था, कुछ चुनिंदा चीज़ें थीं वही हुआ करती थी, लेकिन अब तो हर शादी में कुछ अलग ही दिख जाता है, नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक और नई चीज़ शुरू हो गई कि लोग वरमाला ड्रोन से लाने लगे हैं, लेकिन वही है, कुछ नया कारनामा करने जाओ तो गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इस वीडियो में भी ये लोग ड्रोन से वरमाला लाने की कोशिश कर रहे थे, ड्रोन बन गया मुँह नोचवा, लेकिन मुँह नहीं नोचा, बस वरमाला की ऐसी तैसी कर दी। देखिए सोशलिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की। कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा धर्म कोई नहीं होता, डायलॉग फिल्मी था, रईस फिल्म का था, लेकिन हमारे देश के लोगों ने इसको कुछ ज़्यादा ही गंभीरता से लिया है। हुआ ये कि एक वीडियो वायरल है, वीडियो में दिख रहा है कि एक इंसान लोगों को एक सड़क पार करवाने के लिए पैसे ले रहा है, क्योंकि बीच का डिवाइडर बहुत ऊंचा है। वीडियो में इतना ही समझ में आ रहा है मोटा माटी देख के। देखिए, समझिए, समझाइए कि पूरा मामला है क्या। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। कल आपने कहा कि शो छोटा हो गया था, आज हम कोशिश कर रहे हैं शो बड़ा हो गया। किसी दिन शो छोटा हो जाता है, किसी दिन बड़ा हो जाता है। करता क्या रहता हूँ मैं, काम में मन नहीं लगता क्या मेरा? नहीं, मन लगता है, नई नई चीज़ें आपके लिए लाने की कोशिश करता हूँ। कल फिर ऐसी कुछ नई चीज़ें लाएंगे, तब तक के लिए जाएंगे, टाटा।